हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ढोकले की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं खमन ढोकला, जो एक गुजराती रेसिपी है जो सभी को बहुत पसंद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल, जिसमें हम डालेंगे अपनी ये शुगर। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा सिट्रिक एसिड। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी जो शुगर है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए अच्छे से। इसको हम साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी शुगर जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। जब तक हमारी शुगर थोड़ी सी मेल्ट होगी, तब तक हम लेते हैं एक बाउल और, जिसमें हम डाल रहे हैं ये हमारा बेसन। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है बेसन को। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी शुगर जो है ये मेल्ट हो गई है थोड़ी सी अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बेसन। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करना है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसका बैटर देख रहे होंगे, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि जो हमारा बेसन है वो थोड़ा सा फूल जाए। ये देखिए इसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं रेस्ट पे, ये थोड़ा सा फूल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, और इसे हमें अच्छे से अब बीट करना है। इसको हमें एकदम फ्लफी और लाइट करना है बीट करके। 5 से 10 मिनट हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है, हमारा एकदम से स्मूथ बैटर बन गया है एकदम अच्छा सा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये देखिए हमने बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको हल्के से अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अब हमें ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। ये हमारा जो बैटर है एकदम से फूल गया है अच्छा सा। अब हम इसको डालेंगे अपने बाउल में, जिसमें हम इसको स्टीम करेंगे। आज हम ये ढोकला माइक्रोवेव में बना रहे हैं, इसके लिए मैंने लिया ये बाउल। आप कोई भी माइक्रोवेव बाउल ले सकते हैं, जिसको मैंने अंदर से ग्रीस कर लिया है हल्का सा ऑयल लगा के। अब हम इसमें डाल देंगे अपना बैटर। ये देखिए हमने इसको अपने बैटर को इसमें डाल लिया है माइक्रोवेव करने के लिए। इसको हमें आधा ही फिल करना है। अब हम लेंगे एक माइक्रोवेव का स्टीमर, जिसमें हम नीचे डाल रहे हैं पानी थोड़ा सा, ताकि हमारा स्टीम हो जाए। इसके अंदर हम अपना ये बैटर का जो मोल्ड है ये रख देंगे। अब हम इसे करेंगे माइक्रोवेव 4 से 5 मिनट। ये देखिए हमने इसको 4 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है। ये अच्छे से स्टीम हो गया है, एकदम कूल भी गया है, एकदम स्पॉन्जी बना है। अब हम इसे इसमें से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा एकदम अच्छे से निकल गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। हम इसके पीसेस कट करेंगे। ये देखिए एकदम स्पॉन्जी बना है, इसमें एकदम अच्छा सा जाला आया है हमारा। अब हम बनाते हैं इसके लिए शुगर सिरप, जो इसका तड़का बनेगा। देखिए अब हम बनाएंगे अपने ढोकले के लिए तड़का। उसके लिए मैंने लिया है ये एक पैन, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये राई, मस्टर्ड सीड्स। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा कड़ी पत्ता। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हींग। ये राई हमारी अच्छे से तड़क गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ग्रीन चिल्ली, जिसको मैंने बीच में से काट लिया है। हमने 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इसी में हम ऐड कर देंगे शुगर। ये देखिए ये हम पानी में हमारे अच्छे से बॉईल आ गए हैं 2-3। ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा सा खट्टा मीठा सा है। अब हम अपनी गैस जो है बंद कर देंगे। ये हमारा तड़का जो है तैयार हो गया है।
ये देखिए हमने ढोकले की जो पीसीस काट के अपनी प्लेट में रख ली हैं, अब हम ये तड़का जो है इसके ऊपर डाल देंगे अपने ढोकले के ऊपर। इसको हम तड़के को थोड़ा सा ठंडा करके तब इसके ऊपर डालेंगे। ढोकला हमारा पहले ही ठंडा हो गया था। इस तरीके से हम सारा तड़का इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए हमने जो अपना तड़का है वो ढोकले के ऊपर अच्छे से डाल दिया है। हमारा ढोकला जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में सबको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।